वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा उष्णा शाह, जो कि फिल्म चिक्कड़ में अहम किरदार अदा करने जा रही हैं। उष्णा, बताइएगा कितनी पुरजोश हैं आज के इवेंट के हवाले से? आज रेड कारपेट है, फिल्म बड़े पर्दे पे लगने जा रही है। मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं ये फिल्म शोकेस कर सकती हूँ आपके सबके सामने। और मेरी टीम फिल्म तो जिन्होंने बनाई है उनकी है, बट मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं हमने जो ट्रेलर देखा फिल्म में बहुत ही एक संजीदा किरदार नजर आ रहा है और बड़ा लाइट मेकअप आपने किया हुआ है फिल्म में। मैंने नो मेकअप किया हुआ है फिल्म में, मैंने कुछ जगहों पे अपनी शक्ल खराब भी की हुई है, सो लाइट मेकअप तो आप छोड़ दें। उस्मान मुख्तार के साथ काम करने का तजुर्बा बहुत फनी, बहुत फन। ही इज वेरी हसमुख, ही इज अ रायर ऑन द सेट। आई हैड अ ग्रेट टाइम। हमारी शादी भी हुई, एक साल होने वाला है, अनबिलीवेबल टाइम ऐसे गया है। तो द फ्यूचर इज ब्राइट, लुकिंग फॉरवर्ड टू 2024। नए साल 2023 कैसा रहा आपके लिए? आपके लिए तो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कैसा रहा आपके लिए और 2024 में कितनी पुरउम्मीद है? जी, मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत साल था, लेकिन इसका जो एंड हो रहा है मेरा ख्याल है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत गमगीन है। तो बस हम दुआ कर सकते हैं कि ये जो सब हो रहा है इस वक्त दुनिया में वो अगले साल तक ना हो और दुनिया में अमन आए, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन में। आपने इस वक्त ये फ़लस्तीन की अलामत के तौर पर रखा हुआ भी है ये हाथ में इसका जो अकामा, ये बताइएगा क्या कैसे देखती हैं लोग, जो हमारे आर्टिस्टों को क्या करना चाहिए फ़लस्तीन की हिमायत के लिए? बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग नहीं बोलते, क्या कहना चाहिए? सबको बोलना चाहिए।